नमस्कार। आज हम बात करेंगे बेमौसमी वर्षा से हुए नुकसान पर। और हमारे साथ हैं दो वरिष्ठ पत्रकार जो साथ साथ प्रगतिशील किसान भी हैं और कृषि के जानकार भी हैं। हमारे साथ हैं श्री अमर सिंह जी जो इंडिया न्यूज़ के विशेष संवाददाता हैं, तथा गुरजीत मान जी जो स्वयं प्रगतिशील किसान हैं। मान साहब, ये तीन दिन तक जो वर्षा हुई है, बेमौसमी वर्षा हुई है, किसानों का ये कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, खास तौर पे धान की फसल पे, नरमे की फसल के, उसके अलावा जो हमारे ये रेतीले इलाके में जो ग्वारे की फसल है, तीनों फसलों पे बहुत नुकसान हुआ है। आपका क्या मानना है? ये किसान पहली बात तो झूठ नहीं बोलते, सही कह रहे हैं। वो कभी कभी इच्छा भी नहीं रखते कि उनकी फसल खराब हो, खास करके नरमा और ग्वार तो बहुत इससे क्षति हुई। अगर सरसा की बात करें तो बासमती वगैरह को थोड़ा बाकी ज़िलों से कम नुकसान हुआ है। पूरे हरियाणा की बात करें तो करनाल, कुरुक्षेत्र, बिल्कुल जीरी भी वहाँ पिच गई है। डेफिनेटली इसमें सत्य है कि नुकसान हुआ है और बारिश अभी भी थमने का नाम कई ज़िलों में नहीं ले रही है। तो जानी साहब, ये मान साहब का कहना है भी नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, आपका क्या आकलन है भी सिरसा ज़िले में कितना प्रतिशत में अगर आंके तो नुकसान फसल को कितने प्रतिशत का? देखिए भाटी जी, सबसे पहले तो यह है कि जो बेमौसमी बरसात हुई है उसी तीनों फसलों में नुकसान हुआ है, धान की फसल को, कपास की फसल को, यानी नरमा का और ग्वार का। अगर हम धान की सबसे पहले बात करूँ तो धान की फसल जो अगेती फसल थी और जो जमीन पर लेट गई बरसात और हवा की वजह से, उसमें 50 से 60% का नुकसान है। ओनर एवरेज अगर हम बात करें तो करीबन 25 से 30% सभी धान की फसल को नुकसान है। अब हम नरमे की बात करें, नरमा क्या होता है कि भीगने के बाद जो फोआ होता है उसके अंदर जो बीज अंदर अपने उग जाते हैं, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, जिससे उसको भाव कम मिलता है और जो उत्पादन है वो भी कम मिलता है। तीसरा, हम ग्वार पर जाएंगे। ग्वार में दो टाइप के नुकसान है। पहला नुकसान, जिन किसानों ने ग्वार काट के ढेरियाँ लगा रखी थी, वो ग्वार पूरी तरह से काला हो जाएगा और जब बाजार में बेचने जाएंगे तो उसका भाव कम मिलेंगे। और उसके बाद एक बात और भी है, मान साहब ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि बरसात के बाद जो नुकसान हुआ है उसके बाद जो दवाई बेचने वाले हैं, पेस्टिसाइड बेचने वाले हैं, वो किसानों के पास जा रहे हैं कि ग्वार के अंदर ये फला स्प्रे कर दो, फला स्प्रे कर दो, ताकि दवा ग्वार काला होने से बच जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि किसान अब भी कहीं ना कहीं प्रकृति की मार के बाद कहीं ना कहीं किसानों को लूटने लगे हैं। ये जो पेस्टिसाइड का अत्यधिक प्रयोग है वो फसलों को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वर्षा के बाद इस ढंग से किसानों को किससे राय लेनी चाहिए? डेफिनेटली किसान को राय कृषि विशेषज्ञ से ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं मैं कहता कि सभी दवा बेचने वाले चीट्स हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम कि क्या स्थिति है और उसके लिए क्या दवाई होनी चाहिए। और जैसा कंपनी निर्देश देती है वैसा आगे बता दें। सेकेंडली, इसमें कोई इतनी भी ऐसा नहीं होता कि इमरजेंसी होगी, अगर 2 घंटे स्प्रे नहीं की या 1 दिन नहीं की तो बहुत नुकसान होने वाला है। आप उतना समय बीच में से निकाल कर एक प्रॉपर जगह से, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है या और प्राइवेट कंपनीज के पास भी टेक्निकली क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स हैं, उनसे राय लेकर अगर करें या न करें तो पैसे की बचत भी होगी और लाभ भी होगा। अगर अमर सिंह जी, अगर नुकसान हुआ है तो किसान को किस ढंग से सरकार के पास जाना चाहिए? जो फसल बीमा योजना है जिसका बीजेपी सरकार जो है बहुत लंबा चौड़ा प्रचार करती है, अभी फसल बीमा योजना जो है किसानों के हित के लिए लाई गई है, तो अगर खराबा हुआ है तो किसान को फसल बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, किस ढंग से किसान उनसे अप्रोच करें? देखिए भाटी जी, सबसे पहले बात तो है कि जब भी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की थी उसको निस्संदेह एक किसानों के लिए अच्छी बात थी, लेकिन अब क्या है कि धरातल पर इसे लागू करने तरफ दिक्कत आई है, क्योंकि बैंकों के थ्रू पैसे काट लिए जाते हैं और उन किसानों के पैसे काट जाते हैं जिन्होंने केसीसी ले रखी है। तो ऐसे में किसानों के पास इसी तरह अभी तक इतना कोई चरण नहीं है कि दूसरी सत्य लगा रखी है कि आज फसल नुकसान हो, 7 दिन में इन्फॉर्म करो, ये किसानों के लिए पॉसिबल नहीं है। इसमें सरकार को क्या करना चाहिए, हालांकि अभी जो फसल हुई है, अभी जो कल हुई है, उसमें सरकार ने गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को तुरंत जो भी नुकसान हो, चाहे बरसात की वजह से हो, चाहे किसी बीमारी की वजह से हो या किसी और वजह से, भूस्खलन से हो, जो नुकसान होता है उसकी तुरंत गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी करवाने के बाद जिन जिन एरिया में नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत उन किसानों को लाभ मिलना चाहिए।
लेकिन लाभ की बात करें तो पिछले 2017 में आपको देखा कि सिरसा में किस तरह से आंदोलन हुआ। 2017 में जो खरीफ के जो भी बीमा जो क्लेम की राशि थी वो बाकी थी, करीबन 170 करोड़ में बाकी थी। उसके लिए किसानों ने करीबन 1.5 महीने तक आंदोलन किया, टंकी पर चलना पड़ा। उसके बाद सरकार ने चलो आश्वासन दिया है, अब देखते हैं कितना आता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि सरकार को ये पहल करनी होगी कि जहां जहां भी खराबा हो तो किसी विशेषज्ञ जो लिख के दे, पटवारी है, कानून को है, वो इसकी गिरदावरी करवाए और वो उसको फसल बीमा योजना में जो भी कंपनियां है, जो कंपनी बीमा कर रही है, उनको तुरंत भुगतान करने के आदेश दे। ज्यादा समय नहीं, क्योंकि किसान को बीमा अगर 1 साल बाद मिलता है तो उसका ज्यादा फायदा नहीं होता। किसान को फसल बीमा का मिलना चाहिए उसी समय, खराब एक बार, ताकि अगली फसल में उसको कम मिले सके। एक बात मैं ना आपको ये भी जोड़ना चाहूंगा और मान साहब को भी बीच में लाना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि 3 दिन वर्षा हुई और आज मौसम खुल गया है, अगर 2 दिन तक मौसम खुल जाता है तो वो जो परिस्थिति, जो स्थिति होती है, उस स्थिति में बदलाव आता है, फसल में भी बदलाव आता है। तो किसान को भी अपने गिरदावरी के लिए तुरंत अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। क्या ऐसा संभव है अगर 1 हफ्ते तक गिरदावरी नहीं होती और पटवारी जो कंसर्न पटवारी है या कंसर्न कृषि विभाग के अधिकारी गांव में नहीं जाते तो हो सकता है वो उनको वैसी स्थिति में फसल ना मिले? ये आपका बड़ा जायज सवाल है और किसानों में आपस में ऐसे मैसेजेस भी चल रहे हैं कि जब स्टबल बर्निंग की या भूसा जलाने की बात आती है तो सेटेलाइट देख लेती है। हालांकि अगली बात संभव अभी नहीं है कि अगर फसल का खराबा होता है तो वो सैटेलाइट क्यों नहीं देख पाती। ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं दुनिया में, हमारे पास नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन इससे एक बात साबित होती है कि किसान चाहता है कि सर्वे भी त्वरित रूप से किया जाए, ऐसे ना हो कि वो इतनी देर बाद हो कि तब तक फसल की कटाई भी हो जाए, अगली फसल की बिजाई भी हो जाए और सर्वे की टीम न आ सके। पिछले दिनों में शायद आपने ध्यान दिया होगा कि कृषि विभाग ने कहा था कि हमारे पास इतने लोग ही नहीं है जो इस सर्वे को कर सके, तो ये भी एक सिस्टम को इन प्लेस लाने की जरूरत है। देखो ये तो सरकार निश्चित करेगी, लेकिन किसान भाइयों को भी अपनी फसल की खराबे की तुरंत सूचना देनी चाहिए और उन ना केवल उनको बीमा कंपनियों से बात करनी चाहिए बल्कि सरकार पहले जो गिरदावरी के आदेश दिए हैं, सरकार के अधिकारियों को भी चाहिए। किसान को तभी लाभ मिलेगा अगर उसके खराबे की जानकारी तुरंत अधिकारी लेंगे। तो आज हम इस बहस में एक बात स्पष्ट होकर सामने आई है, निश्चित रूप से बेमौसमी बरसात से किसान को 30-50% के बीच में फसल का नुकसान हुआ है और किसान की भरपाई के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। केवल झूठे आश्वासनों से किसान का पेट नहीं भरने वाला, क्योंकि किसान के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। आज इतना ही, नमस्कार।